अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। जिद्दी पीर ऑफिशियल चैनल में सैयद अली हैदर शाह की तरफ से हाजिर हैं। हैदर अली शाह नाम है इत्माद का, जो जानते हैं वो मानते हैं। दोस्तों, दौलत की परी की हाजिरी का ऐसा मुजरम अंतर आज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। दौलत परी की हाजिरी का अमल है, आपने इस अमल को कैसे करना है, जो कि मेरे ऐसे बहन भाई गुर्बत के मारे अपनी ज़िंदगी से बर्बाद हो चुके हैं। इंसान के ऐसे मसले होते हैं जो कि सिर्फ दौलत ही हल कर सकती है और कोई नहीं। अगर आप किसी दुश्मन से या किसी भी जायज़ नाजायज़ मसले का हल लेना चाहते हैं और सिर्फ और सिर्फ घर बैठे दौलत परी से अपना हर काम करवाना चाहते हैं, सेक्स के साथ साथ, दौलत के साथ साथ, अगर आप चाहते हैं कि हर दुनियावी जायज़ नाजायज़ काम हो, तो मेरी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देख के अमल को कर लें। सिर्फ 10 मिनट में कामयाब हाजिरी का तरीका आपको बताऊँगा। जूठे अमलों पर लानत भेजता हूँ मैं, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। नाम है इत्माद का, जो जानते हैं वो मानते हैं। दोस्तों, इस अमल को आपने कैसे करना है और अपनी जिंदगी में खुशहाल कैसे रहना है, दौलत परी से कैसे ट्रांसफरी लेनी है, दौलत परी को कैसे अपना गुलाम बनाना है, उसे कैसे दोस्ती करनी है और सारी उम्र कैसे उसे काम लेना है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है, चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि हर बंगाली मिस्री किताब से आपकी खिदमत में अमल लेके हाजिर हूँ और आपकी खिदमत में कामयाबी के राज लेके आऊँ। दोस्तों, अमल की तरफ चलते हैं। अमल की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हर आने वाली अमलियात की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अमल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस अमल को मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी कर सकता, मर्द औलत इस अमल को कोई भी कर ले, लड़की या लड़का कोई भी हो, बालिग इस अमल को करे ना बालिग इस अमल को ना करे कामयाबी नहीं होगी, नुकसान होगा। दोस्तों, अमल को करने से पहले इजाजत ले लें, परी का अमल है। दोस्तों, इजाजत के बगैर ना करें, ताकि आपको रज्जो तो इजाजत लेने का तरीका चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में अपना नाम बता दें या व्हाट्सएप पर रब्ता करके तफसील के साथ रहनमाई भी ले लें, आपको इस अमल की इजाजत होगी। दोस्तों, इस अमल का जो टाइम है वो आपने रात 9 बजे से 12 बजे के दरमियान इस अमल को कर लेना है। करना सिर्फ इतना है कि आपने करने से पहले किसी अलग रूम में जाकर इस अमल को करना है। अगरबत्तियाँ 11 दादा आपने अपने करीब रख लेनी है, उनका बखोर लाजमी जलाना है। अगरबत्तियाँ 11 दादा आपने अपने करीब जलाकर बड़ा सा एक एहसास लगाना है, जहाँ कोई मौजूद ना हो, बड़े से कमरे में जाकर किसी भी वीरान जगह पर या खाली कमरे में जाकर एहसास लगाकर अपने जिस्म पर ज़्यादा से ज़्यादा इतर या खुशबू लगाकर आपने उसे सार के अंदर बैठ जाना है और सार के अंदर बैठकर आपने सिर्फ और सिर्फ दौलत परी का हाजिर कर अपना तसव्वुर रखना है। तसव्वुर आपने ऐसे रखना है कि आपके इर्द गिर्द दौलत के ढेर लगे हों। आपने इस तरह तसव्वुर करके इस मंत्र को सिर्फ और सिर्फ 107 बार पढ़ना। ये इबलीस का राज वाला मंत्र है, मोहनी इबलीस दौलतंद अल हाजिर हाजिर शुद। आपने आंखें बंद करके मंत्र की तादाद को पूरा करना है। जैसे ही आप मंत्र की तादाद को पूरा कर देंगे, दौलत परी बेजान हो जाएगी और वो आपके आगे आ गिरेगी, आपसे पूछेगी कि आपने मुझे क्यों हाजिर किया, क्यों मेरे नाम को पुकारा, क्यों मेरे वालदा की नाम को पुकार के मुझे राज के साथ बुलाया। दोस्तों, आपने उसे कहना है कि सबसे पहले मैं आपसे उम्र भर की दोस्ती चाहता हूँ, उम्र भर की दोस्ती के साथ साथ अपना हर दुनियावी जायज़ नाजायज़ काम चाहता हूँ। दोस्तों, आपसे उम्र भर की दोस्ती कर लेगी और आपका हर जायज़ नाजायज़ काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अमल को खुद नहीं करना चाहते या किसी मसला परेशानी दिक्कत की वजह से कामयाबी नहीं हो रही, तो नीचे दिए नंबर पर रब्ता करें और अपना हर मसला परेशानी हमसे करवाएं। अगर आप अमल को खुद कर रहे हैं तो अमल करने के दौरान कोई मसला परेशानी हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस अमल को आप हमसे भी करवा सकते हैं, हर जायज़ और नाजायज़ परी का ट्रांसफर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का अमल पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।